हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एज ए पेरेंट्स आप कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं अपने चिल्ड्रन के लिए, वेयर यू वांट देम टू लिसन टू और स्टडी वेल। सो पहला चीज है, हम होपोनोपोनो के बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अफर्मेशन बोल सकते हो, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि आप वाटर बॉटल टेक्निक कैसे कर सकते हो। तो पहले तो इस वीडियो में हम तीन टेक्निक के बारे में बात करेंगे, होपोनोपोनो, एफर्मेशन एंड वाटर बॉटल टेक्निक। लेट्स स्टार्ट। सो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन है बहुत लोगों से कि कैसे पेरेंट्स यू नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या होपोनोपोनो यूज करें अपने बच्चों के लिए, जहाँ पे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे सही से, बात नहीं सुन रहे हैं, बहुत शैतान है, बहुत नॉटी है। पहली बात तो मैं ये बताऊंगी कि अगर आप इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, आई वॉन्ट यू टू बी रिलैक्स्ड, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने बचपन में ऐसे ही थे या फिर इससे भी ज्यादा नॉटी थे। हम सब कहीं ना कहीं अपने बचपन में अपने पेरेंट्स को हमने परेशान किया है। सो इट्स ओके, चिल, रिलैक्स। नाउ आप कैसे इसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर सकते हो, पहला हम होपोनोपोनो के बारे में बात करेंगे। पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि आप क्या इमोशन फील करते हो अपने बच्चों के लिए, जब वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर आपकी बात नहीं सुनते, क्या इमोशन आता है। मोस्ट प्रॉब्ली एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ऑल दोस इमोशन। आप पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन सा वो इमोशन है। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आप सैड हो जाते हो, हर्ट होते हो, डिसअपॉइंट होते हो, कौन सा वो इमोशन है। उस इमोशन को आइडेंटिफाई करो और फिर आप होपोनोपोनो करोगे, जहां पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे फॉर द वे यू फील। लाइक आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फीलिंग एंग्री, आई एम सॉरी फॉर फीलिंग एंग्री, प्लीज फॉर गिव मी फॉर फीलिंग एंग्री, थैंक यू फॉर दिस इमोशन, आई लव दिस इमोशन, बिकॉज नाउ आई रियलाइज माई चिल्ड्रन दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंगर, इट्स माई पैटर्न टू फील एंगर, सो आई एम सॉरी फॉर क्रिएटिंग दिस एंगर, प्लीज फॉर गिव मी दैट आई हैव क्रिएटेड दिस एंगर, थैंक यू फॉर दिस एंगर, एंड आई लव एंड एक्सेप्ट दिस एंगर, एंड आई लव एंड एक्सेप्ट माई चिल्ड्रन द वे दे आर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉर गिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दैट्स हाउ यू विल डू होपोनोपोनो टू रिलीज योर ओन इमोशन, बिकॉज ये एंगर आपका पैटर्न है। अगर आज आपके बच्चे आपको परेशान नहीं कर रहे, कुछ और रीजन जरूर होता है जिसकी वजह से आपको एंगर क्रिएट होता है, इसका मतलब दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो पहले तो आप अपने इमोशन पे काम करो जिसके लिए आप अपने बच्चों पे ब्लेम कर रहे हो, ठीक है। सो वो फ्रस्ट्रेशन, एंगर, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, जो भी इमोशन है, आप पहले उसको रिलीज करो बाय होपोनोपोनो, जैसे अभी मैंने आपको बताया, उसको आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है। दूसरे तरीके से होपोनोपोनो कैसे करोगे, आप अपने बच्चों के लिए होपोनोपोनो करोगे। आपको अगर लगता है कि आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो, सैड हो अपने बच्चों के लिए कहीं ना कहीं, तो पहले तो आप अपने इमोशन के लिए काम करोगे, बट आप अभी बेसिक भी करोगे उनके लिए, जहां पे आप उनका नाम लेके, बच्चों का नाम लेके आप 108 बार होपोनोपोनो करोगे। यू कैन ऑल्सो लुक एट योर चिल्ड्रन स्माइली पिक्चर, उनका अच्छा पिक्चर देखो, उस पिक्चर को देख के आप 108 बार होपोनोपोनो कर सकते हो। इधर अगर वो बहुत छोटे हैं, जब वो सो जाएंगे, उनके सिर पे हाथ रख के आप 108 बार होपोनोपोनो कर सकते हो, एक बेसिक होपोनोपोनो। आपको वो इंटेंशन क्रिएट करना है कि आप किस लिए होपोनोपोनो कर रहे हो, फिर 108 बार आप होपोनोपोनो उनके लिए करोगे। गाइस प्लीज डू इट, अमेजिंग रिजल्ट आता है इससे, एंड शेयर योर रिजल्ट विथ मी, ठीक है। तो ऐसे आप होपोनोपोनो करोगे। सेकेंड आते हैं एफर्मेशन पे। अभी आप जितना बोलोगे ना, मेरा बच्चा शैतान है, मेरा बच्चा ऐसा है, उसने मुझे बहुत परेशान करके रखा है, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, कितने सारे नेगेटिव चीजें बोलते हो और कितने सारे नेगेटिव चीजें आप सोचते हो दिन भर में, क्योंकि जो जो हम बोलते हैं, जो जो हम सोचते हैं, वही तो फ्रिक्वेंसी क्रिएट होता है, और वैसे ही प्रोग्रामिंग होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, है ना। सो स्टॉप सेइंग नेगेटिव अबाउट योर चिल्ड्रन। आप अपने बच्चों के बारे में जितना नेगेटिव बोलोगे, वो और वैसा ही रिएक्ट करेंगे, वैसे ही बिहेव करेंगे, बिकॉज हम वैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो दूसरों के साथ जब भी आप बात करोगे, तो स्टॉप सेइंग नेगेटिव अबाउट योर चिल्ड्रन, और खुद से भी जब बात करोगे तो इतना मत बोलो अपने बच्चों के बारे में नेगेटिव, अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ाई करते हैं, मेरा बच्चा ऐसे करता है, अच्छे से मेरी बात सुनता है, जो भी आपको चाहिए आप बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा बच्चा ऐसे करता है। आप जितना वो पॉजिटिव बोलोगे ना, अभी उतना ही प्रोग्रामिंग होता जाएगा पॉजिटिव, इन ए पॉजिटिव वे। अब उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। सो कीप डूइंग दैट, एटलीस्ट डू इट फॉर 21 डेज, ठीक है। अब आते हैं वाटर बॉटल टेक्निक में। अभी सेम एफर्मेशन आप वाटर बॉटल टेक्निक में भी यूज कर सकते हो। एक स्टिकी नोट पे आप लिखोगे कि
कि आप अपने बच्चे का नाम भी लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो कि ही और शी लिसन्स टू मी और वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी एफर्मेशन आपको चाहिए, जो भी जैसा भी आपको चाहिए कि या फिर उसको अच्छा मार्क्स आ गया है उसके एग्जाम पे, उसको 90% मार्क्स आ गया है, अच्छे से पढ़ाई करते, इतने घंटे पढ़ाई करते, जो बेसिकली आपको चाहिए वो आप बोलो कि ये हो चुका है ऑलरेडी और आप थैंक यू बोल रहे हो। आज उस एफर्मेशन को आप स्टिकी नोट पे लिखो और आपका कोई भी वाटर बॉटल है उस पर आप लगाओ, ठीक है, और वो पानी आप अपने बच्चे को पिलाओगे। अब जब भी उसको पानी दोगे, एफर्म करके पानी दोगे कि बहुत अच्छा बच्चा है, अच्छे से पढ़ाई करता है, ऐसा है वैसा है, जो भी आपको चाहिए बेसिकली वैसा बोल के उसको वो पानी पिला सकते हो, ठीक है। ये तीन टेक्निक जो आप फिलहाल यूज करो, ठीक है, और फिर मुझे रिजल्ट बताओ कि आपको कैसा रिजल्ट आया है। उसके बाद हम इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर और भी बात कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है प्लीज डू लेट मी नो, आई विल हेल्प यू विद दैट, ठीक है। टिल देन टेक केयर, लव योर सेल्फ एंड लव योर चिल्ड्रन।